क्लास सिक्स फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर एट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। इफ 80 केजी ऑफ राशन लॉस्ट फॉर 15 डेज, जैसे घर में आते हैं ना हम, मतलब हमारे घर में जो मंथली रूटीन रहती है वो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे चावल दाल ये सब चीज़ें आती हैं, ऑयल वगैरह। तो यहाँ पे दिया कि 80 केजी राशन आया 15 डेज के लिए, तो हाउ मच राशन इज रिक्वायर्ड टू लास्ट फॉर 75 डेज। तो अगर हम 15 डेज के जगह में 75 डेज के लिए लेके आए अपने घर के सामान को, तो कितने किलो हमें राशन लाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से आपके लिए एक ऑर्डर पेयर वाला सिस्टम है और एक हमने खुद डिज़ाइन किया है बेस्ट तरीके से, तो आपको जो पसंद आए वो आप ले लीजिएगा। बेस्ट डिटेल के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे देखिए राशन की बात है, तो एक ऑर्डर पेयर आप बना लीजिए, ये आपका बन गया। यहां पे आप राशन लिख लीजिए, फर्स्ट हुआ, देन सेकंड डेज, जिसकी बात की जाए उसको यहां पे नाम लिख लीजिए जिसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। पहले किसके बारे में डिस्कशन हुआ, यहां पे राशन के बारे में, या उससे कोई फैक्ट नहीं है, आप डेज भी ऊपर लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बात करते हैं राशन कितना आया, 80 केजी, तो यहाँ पे 80 केजी लिख लीजिए, एक लाइन यहाँ पे ऑर्डर पेयर और कर लीजिए। कितने डेज के लिए, 15 डेज यहाँ पे कर लीजिए डेज, ठीक है, या 15 बस कर लीजिए क्योंकि डेज तो ऑलरेडी आपने राइट कर लिया। अब आगे देखते हैं हाउ मच राशन, अब राशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट वेट ऑफ राशन, भाई हमारे पास तो नहीं है, वेट में दिया है केजी, वेट ऑफ राशन इक्वल टू एक्स केजी, एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक्स। तो यहां पे हमारे पास नहीं है वो राशन नेक्स्ट पेयर के लिए, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे एक्स, उसी के लिए हमने यहां लेट किया। अब आगे कितना दिया है डेज, 75 डेज, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है, हम पहले इसे एक्सप्लेन कर दें फिर उसके बाद हम अपना भी तरीका बताएंगे। तो 80 यहां पे लिखिए अपॉन 15, भाई ये अपॉन है तो यही आप सेम यहां पे लिख लीजिए, इक्वल टू एक्स यहां पे लिख लीजिए अपॉन 75, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, अब हमें तो एक्स चाहिए ना, तो एक्स का इंटू 15 में होगा, 15x इक्वल टू 80 में 75 का इंटू करना है, तो इंटू नहीं करना, सिर्फ 100 बस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15 ट्रांसफर होगा, 15 और एक्स के बीच कौन सा साइन है, इंटू, इंटू ट्रांसफर होता है तो क्या होता है डिवाइड में आता है, तो 80 इंटू 75 अपॉन 15, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, कट कर लीजिए, 15 बन जाए, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म आपने पढ़ा है, 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75, सो एक्स इक्वल टू, अब क्या आपके पास रिमाइंड है, अपॉन के नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 80 इंटू 5, तो 80 का इंटू नहीं करना, सिर्फ 8 और 5 कर लीजिए, 8 फाइव जा 40, और ये जो एक जीरो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका केजी, यही आपका आंसर है, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस 400 केजी राशन फॉर कितने डेज के लिए, 75 डेज के लिए। आपको ये ट्रिक अच्छा लगा या नहीं लगा आप बताइएगा कमेंट में। अब आपको एक और नया रूल्स बताते हैं, सेकंड केस, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसे भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। आप ये ऑर्डर पेयर अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे सब में कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम यूनिक सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए सेकंड केस बेस्ट रहेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसमें किसकी किसकी बात है, ये वर्ड तो आपको सब दोनों में लिखना पड़ेगा, हमने यहां पे एक्स कर दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले किसकी बात है, राशन,
कितना है 80 kg। तो 80 kg पहले लिख लीजिए, रेशियो बनाइए, क्योंकि भाई ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही चैप्टर है। 80 kg राशन कितने डेज के लिए, 15 डेज, तो 15 डेज यहाँ लिख लीजिए। अब प्रोपोर्शन बनाइए, ये आपका प्रोपोर्शन है, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, इतना बन जाएगा। अब सबसे पहले आपने किसकी बात की है, केजी की बात की है, वेट की बात की है, तो इधर सर्च करिए वेट कहाँ पे है, तो ये हाउ मच के बाद ये है वेट, भाई राशन ही तो वेट होगा, तो हाउ मच राशन यानी कितने किलो राशन, तो हमारे पास पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखिए, मतलब केजी का नंबर पहले नंबर पे है, तो प्रोपोर्शन के बाद भी केजी का नंबर सबसे पहले ही रहेगा, बाद में डेज है तो बाद में ही डेज आप लिखेंगे, कितने डेज है, 75 डेज बन जाएगा। अब इसको अपॉन कर लीजिए, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, 80/15, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, इधर एक्स है अपॉन 75। अब इसके बाद आपको यही काम करना है, ये आपके सामने है सॉल्यूशन, ठीक है, फिर भी हम जल्द से जल्द कर देते हैं, 15 का एक्स में इनटू होगा 15x, 18/75, तो ऐसे ही लिखना है, 15 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 है यहाँ पे, 8/40 यानी 400 kg, ये आपका आंसर है, तो दोनों मैच भी कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक पसंद आए कि ये, हमें तो मालूम है कि आपको यही पसंद आया होगा, चलिए, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, तो ऑर्डर पेयर ही अटेंड करेंगे, आप उस पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 136 एप्पल्स आर शेयर्ड बाई 24 स्टूडेंट्स ऑन ए पिकनिक, एक पिकनिक में 24 स्टूडेंटों के बीच 136 एप्पल्स खत्म हुई, मतलब 136 एप्पल्स 24 स्टूडेंटों में बांटा गया, सिंपल लैंग्वेज, तो हाउ मेनी एप्पल्स आर शेयर्ड बाई 3 स्टूडेंट, तो बताइए 3 स्टूडेंटों को कितना एप्पल दिया गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एन एप्पल शेयर बाय 3 स्टूडेंट्स, एक्स ले लें क्योंकि यहां पे एप्पल्स के लिए एक्स ले लेते हैं, इसलिए हमने इस्टे। अब आप वही ऑर्डर पेयर बनाइए, ये ऑर्डर पेयर हो गया, सबसे पहले किसकी बात की गई है, एप्पल्स और दूसरा स्टूडेंट्स, पहले एप्पल्स कितने हैं, पहले स्टेप में 136, फिर स्टूडेंट कितने हैं 24, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका एप्पल्स नहीं है, तो हमने एक्स लिया है, स्टूडेंट 3, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 136 इसी को अपॉन करिए, अपॉन 24 इज इक्वल टू, ये जो बीच वाली लाइन है प्रोपोर्शन है, एक्स अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में कभी भी इनटू मत करिएगा, इनटू कर सकते हैं लेकिन आप करेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए बिल्कुल नहीं मत करिएगा, तो एक्स में 24 का इनटू होगा, तो 24x इज इक्वल टू 136 इनटू 3, क्लियर, सो x इज इक्वल टू 136 इंटू 3 अपॉन 24 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, 4 4 4 जा 16, तो क्यों ना 24 में 4 का इंटू करें, चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर 4 2 जा 8 1 9, नहीं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो रहा, अगर 3 से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3 8 जा 24, अब ज़्यादा इजी है, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 5 13, 56 आया, 8 7 जा 56, यानी x इज इक्वल टू 17 एप्पल्स, यानी 3 स्टूडेंटों में 17 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
नाइन से बेस्ट और इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, आप अभी सिक्स क्लास में हैं, सेवेंथ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जब तक पढ़ें आप मैथ, अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं पे भी, किसी भी चैप्टर में, अगर ये लिख दे कि कोई भी हो ऑब्जेक्ट, कोई भी, चाहे वो पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या किसी की भी बात हो, अगर उसको रेशियो फॉर्म पे हो तो तुरंत आप उसे कन्वर्ट करिएगा, तुरंत बिल्कुल स्टडी किए, क्वेश्चन बस पढ़ लीजिए किसके बारे में है। जैसे यहाँ नाइन्थ की बात है, डिवाइड 160 मैंगोज बिटवीन टू पर्सन इन द रेशियो, तो दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम दोनों स्टेप दिखा देते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले आप रेशियो को तोड़ दीजिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा पसंद आया। तो लेट द रेशियो, आपका सबसे पहला वर्ड ये होना चाहिए, लेट द रेशियो ऑफ टू पर्सन, किसकी बात है, टू पर्सन। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2x and 3x। भाई उसे आप ब्रेक करेंगे तो किसी वेरिएबल में ब्रेक करेंगे, जैसे 2:3 है तो 2x and 3x। अब टू नंबर, सॉरी ये हम ये नंबर कर रहे थे, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब डिवाइड 160 मैंगोस, तो हम मैंगोस 160 मैंगोस को दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने लेट द रेशियो कन्वर्ट कर लिया कि पहले पर्सन को हमने 2x दिया और सेकंड पर्सन को 3x दिया, तो सीधी सी बात है ये दोनों पर्सन है ना, दो पर्सन है तो दो पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो भाई दो पर्सन मतलब अगर ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों को हमने बांट दिया, तो हम टोटल करेंगे ना कि इसको कितना दिए इसको कितना दिए, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x + 3x = 160। भाई इन दोनों को दिए तो जोड़ेंगे ना, अब 3x 2x कितना होता है, 5x, 160, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 3 = 15, 1 remainder, 5 2 = 10, यानी x = 32। ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, आंसर अब आएगा आपको। तो गिवन फर्स्ट पर्सन को कितना मिला ये तो चेक करें, तो फर्स्ट पर्सन कितना है, 2x, तो 2 × x की वैल्यू 32, यानी 64, पहले पर्सन को 64 मैंगोज मिले, एंड सेकंड पर्सन, टेकन मैंगोज, ऐसे लिख लीजिएगा, मैंगोज कितना टेक किया, 3x, यानी 3 × 32, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, इसको 96 मिला और इसको 64, क्लियर। अब चलिए आपको सेकंड मेथड से दिखाते हैं, मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा मेथड पसंद आया। तो यहाँ 2:3 में है, तो आप लिखिए टेकन बाय फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट, तो टेकन बाय फर्स्ट पर्सन का रेशियो कितना है, 2, तो 2 लिख लीजिए, अपॉन इन दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, 2 + 3, और जितना टोटल है, टोटल मैंगोज, उसका इंटू कर दीजिए, इसे सॉल्व करिए, तो 2 / 3 + 2, 5 × 160, 5 3 = 15, 1 remainder, 5 2 = 10, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये आंसर आ गया, फर्स्ट पर्सन कितना टेक किया, 64। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया, टेकन बाय सेकंड पर्सन का कितना था, 3 रेशियो था ना, फर्स्ट का 2 था, इसका 3, तो सिर्फ इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि 2 है, यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, और करना सेम है, 2 + 3 × 160, तो 3/5 × 160, अभी 5 से हमने कट किया, कितना है, 32,
इंटू कर दीजिए 3 2 6, 3 3 9, 96। ये आपका सेकंड आंसर। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 नंबर में यहाँ पे दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, देयर सम इज 70, फाइंड द नंबर्स। तब भाई आपको इस क्वेश्चन में एक्स वाला ही करना पड़ेगा, ये आप यूज नहीं कर सकते जो हम सेकंड केस बताए। तो आपको वही काम करना है, इसीलिए अपने माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए कि मुझे यही करना है। जब रेशियो आए तो तुरंत आप लिखिए लेट द रेशियो, आपका पहला ही वर्ड हो जाए किसका, ऑफ टू नंबर्स। बस इसे बस जोड़ दीजिए किसके बारे में, ऑफ टू नंबर्स आर, नंबर्स आर क्या है 4 और 3, तो 4x लिख लीजिए एंड 3x। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है देयर सम, इन दोनों को ऐड करने कितना हो 70, तो इन दोनों को ऐड करिए 4x + 3x, कितना टोटल 70। अब 4 और 3 कितना होता है 7x = 70। x को स्टॉप कर लीजिए और 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इनटू है, ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा डिवाइड में, 7 × 10 = 70, सो x की वैल्यू 10। ये लेकिन आंसर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस फर्स्ट नंबर, क्योंकि दो नंबर थे ना, फर्स्ट नंबर क्या था 4x, तो 4 × x की वैल्यू क्या आई 10, 4 × 10 = 40, एंड सेकंड नंबर 3x, तो 3 × x की वैल्यू 10, 3 × 10 = 30। ऐड करके देख लीजिए 70 आया, ये देखिए ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज रेशियो 7:5। सेम ही तो है, हमने तो पहले से आपको बता के रखा है कि रेशियो मिले तो तुरंत आप लिख दीजिए लेट द रेशियो। कोई भी क्वेश्चन हो, रेशियो जब भी मिले रेशियो बनाइए। और जो हमने एक और मेथड बताया, सिर्फ आप इसमें ही यूज कर सकते हैं, इनमें तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको यही करना है, लेट द रेशियो ऑफ किसके बारे में है, टू नंबर्स आर क्या क्या है 7 और 5, तो 7x + 5x। अब यहाँ पे देखिए देयर डिफरेंस, इसमें सम था इसमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस कर लीजिए, तो भाई डिफरेंस मतलब माइनस, तो 7 और 5x में डिफरेंस कर दीजिए। यहाँ पे लिख लिया करिए ATQ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना है डिफरेंस 12। चलिए 7 − 5 = 2 होता है, सो 2x = 12, सो x की वैल्यू 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया 2 × 6 = 12, सो x की वैल्यू 6। ये आपका आंसर, आंसर तो नहीं है अभी, हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, हैंस फर्स्ट नंबर इज, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है 7x था, तो 7 × x की वैल्यू 6, 7 × 6 = 42, एंड सेकंड नंबर 5x, तो 5 × 6, 6 × 5 = 30। एड और डिफरेंस देख लीजिए, 42 − 30, 2 − 0 = 2, ये आ गया, अब 4 − 3 = 1, ये आपका आंसर है। अब आते हैं 12 नंबर, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degrees, द रेशियो ऑफ एंगल्स 2:3, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रेशियो दिया है। तो हम सबसे पहले, हमने आपसे पहले ही बताया कि सबसे पहले आपका वर्ड हो लेट द रेशियो, फिर ये देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल्स, तो ऑफ टू एंगल्स,
आर टू एक्स एंड थ्री एक्स, एक्स पसंद नहीं है चलो वाई ले लेते हैं इस बार, एंड थ्री वाई, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिया द सम, सम अरे यही तो क्वेश्चन है जो यहाँ पे 70 वाला हमने किया, सम की बात है, तो चलिए फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐड करने को बोला गया है सम, तो 2y प्लस 3y इज इक्वल टू, अरे ये तो देखे नहीं है सम कितना है, सम है 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात है, तो 3 प्लस 2 5 वाई इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 4 रिमाइंडर 5 एट जा 40, y इज इक्वल टू 18, लेकिन ये तो आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो अलग से आंसर, हमारे पास तो ये है फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, देन फर्स्ट एंगल कितना है 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 18, 18 टू जा 36 डिग्री, क्लियर। एंड सेकंड एंगल 3y है, तो 3 इंटू 18, 18 थ्री जा 54। अब याद रखिएगा इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपकी मर्जी है तो लिख लीजिएगा एंगल्स, क्योंकि 90 अगर दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, और अगर दो एंगल को ऐड करके 180 हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और याद रखिएगा उसमें केवल दो ही एंगल ऐड होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द पैरामीटर, हमने कई वीडियो में बताया कि पैरामीटर का कोई भी मैथ में फार्मूला होता ही नहीं है, पहली बात, बहुत से स्टूडेंट्स पैरामीटर का फार्मूला याद करते हैं लेकिन पैरामीटर का कोई भी फार्मूला किसी का भी नहीं होता। पैरामीटर का एक ही वो होता है डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर कोई भी पिक्चर आपके पास है उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए उसी को पैरामीटर बोलते हैं, इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे ट्रायंगल की बात है इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी, चलिए तो हो गया। अब यहाँ पे पैरामीटर दिया है कि द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 48, मतलब पहले से बता दिया कि ये तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो 48 होता है, ठीक है। लेट, और यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इन द रेशियो, और सभी के लेंथ जो यहाँ साइड हैं उसको रेशियो में दिया है, तो हमने आपसे पहले ही बताया कि कोई भी क्वेश्चन में रेशियो मिले तुरंत आप कन्वर्ट कर दीजिए। लेट द रेशियो ऑफ कौन, किसकी बात है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, थ्री साइड्स है ना, साइड्स, लेट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर कितना है, 3, 4, 5, तो 3x, 4x एंड 5x, इतना क्लियर, चलिए ठीक है। यानी पहला साइड है आपका 3x, दूसरा साइड है 4x और ये साइड है 5x, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब वही बात है कि यहाँ पे दिया है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना 48, और अब भी तो हम बात कर रहे थे पैरामीटर का कोई फार्मूला तो होता ही नहीं है भाई, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो सभी साइड्स को ऐड करिए, पहला साइड कितना है 3x, दूसरा साइड 4x, थर्ड साइड 5x इज इक्वल टू यहाँ 48 दिया है, सिंपल 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12x इज इक्वल टू 48, सो x की वैल्यू 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 12 4 जा 48, ये x की वैल्यू है ना कि आंसर,
क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। देन लेंथ ऑफ, पहले ए बी का निकाल लें, ए बी कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है 4, 3 4 जा 12, सेंटीमीटर मीटर में है, सेंटीमीटर पे है, तो चलिए सेंटीमीटर भी लिख लें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एंड बी से सी, बी सी कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। फिर सी ए में आते हैं, सी ए कितना है 5x, तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। चलिए इसे ऐड करके एक बार चेक तो कर लें, 42 होता है नहीं होता, 48, 6 2 8, 2 1 3 1 4 आ गया टोटल। तो आंसर आपका यहीं तक है, ये सिर्फ चेक है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है 12 16 एंड 20। और यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका लेंथ 12 है, इसका लेंथ है डाउन साइड का 16, और इसका लेंथ है 20। और आप अगर जानना चाहते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, स्केलेन ट्रायंगल, विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। देखिए 12 है, 16 20, तो स्केलेन ट्रायंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, डिवाइड 49,600 अमंग थ्री पार्टनर्स। मान लीजिए थ्री पार्टनर्स ने मिलके एक शॉप खोला, ओपन किया, उनके नाम है ए बी सी, ठीक है। तो थ्री पार्टनर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जो नहीं दो तीन लोग मिलके कोई शॉप खोलते हैं उसी की बात की गई है। एंड सी कितना शेयरिंग किए, शेयर्ड 49,600 रुपीस, इतना उन्होंने शेयर्ड किया एक दूसरे में। अब तीनों के रेशियो दिए हुए हैं, ये देखिए शेयर किए हैं रेशियो 1/2, 1/3, 1/5। अभी तक जितने भी रेशियो थे सभी इस टाइप के दिखते थे, लेकिन ये किस में है, अपॉन में। तो रेशियो किस में है, अपॉन में है भाई, 1/2, 1/3 और 1/5। अब कुछ डिस्टर्ब टाइप के ये आपको रेशियो मिले, क्योंकि अभी तक सिंपल मिलते थे। जब कभी भी आपको अपॉन रेशियो में मिले तो उसका आप एलसीएम कर लीजिए, किसका एलसीएम, जो नीचे नंबर होते हैं इनका। तो आप क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, और आपको तरीका ही बता देते हैं क्यों ऐसा करते हैं और हम रेशियो कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5, तो 2, 3 और 5, फर्स्ट 2 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, 2, 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब इन रेशियो को लाइन से यहाँ पे लिखिए, 1/2, 1/3, 1/5, एक बार और लिखिए 1/5। ये दो जो इनके डिनोमेटर है इसको 1/1 एक एक करके लेके जाइए और इससे डिवाइड करिए। 2 को 30 में डिवाइड करिए कितना आएगा, 15 2 जा 30 15 आएगा ना, वो 15 को यहाँ भी इंटू करिए और यहाँ भी इंटू करिए, बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये 2 को लेके जाइए 2 को और जो एलसीएम है उससे डिवाइड करिए। आप डिवाइड ऐसे कर लीजिए, 2 1 जा 2 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10, देखिए 15 आया, 15 का ऊपर भी करिए और नीचे भी करिए इन दो, तो 15 1 जा 15 15 2 जा 30। और एक बात हम पहले आपको बता देते हैं, इसके सभी में देखिएगा 30 आएगा, पहले से हम लिख देते हैं 30 ही आएगा। 3 को लेके जाइए डिवाइड करिए, 3 10 जा 30, नीचे चेक कर लीजिए 30 ही आएगा, 10 1 जा 10। 5 को लेके जाइए, 5 6 जा 30, 5 को ऊपर करिए 5 का नीचे, अरे 5 6 जा होता है भाई, 6 1 जा 6। अब देखिए इसमें 30 अपॉन इसमें भी 30 इसमें भी 30, जब तीनों इक्वल होते हैं तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, इसका रेशियो निकल के आया 15 10 और 6,
क्यों? क्योंकि 30 30 30 सेम है, 30 30 सभी के तीनों का देखिए 30 सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे न्यूमरेटर से हम बता, जैसे अभी हम बोलते हैं कि इसको ग्रेटेस्ट बताइए, इनमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर नंबर है, तो आप इनको देख लीजिए 15, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वैसे ही, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद ये है, फिर उस सबसे लास्ट ये है, ये लाइन से ही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इनका रेशियो हमें क्या दिख रहा है, पहला नंबर आया 15 रेशियो, सेकंड में 10 रेशियो, फिर इसमें 6, ये आपका रेशियो निकल के बाहर आ गया, क्लियर हो गया। अब इन रेशियो को हम यूज कर सकते हैं सॉल्व में, जैसे कि अभी तक हम हर क्वेश्चन में करते आए उसी टाइप में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अभी सॉल्व कराया था, आपको याद करिए, ये 160 मैंगोज, हमने इसी बस में कुछ यूनिक इसका यूज किया था, ये केस सेकंड, देखिए यही है मैंगो वाला, ये देखिए पहले हमने 2 को ऊपर लिया और दोनों रेशियो को ऐड कर दिया, यही यूज हमें यहाँ पे भी करना है, रेशियो मिल चुका है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो शेयर्ड बाय फर्स्ट पार्टनर, तो फर्स्ट पार्टनर थे कितना रेशियो लगाया 15, तो हमने रूल्स क्या बताया था उसको ऊपर लिख लीजिए और सबको नीचे लिखिए, 15 प्लस 10 प्लस 6 इंटू जितना पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको लिख लीजिए 49,600, तो 15 अपॉन 15 10 25 6 31 इंटू 49,600, ये 16 से कैंसिल होगा, एक मिनट थोड़ा सा देख लें, 31 इंटू अगर हम 16 करें तो 16 वन जै 16 वन रिमाइंडर, 16 थ्री जै 48 149 आ गया, ठीक है राइट, 31 वन जै 31 31 16 जै 1496 और ये डबल जीरो उसको यहाँ लिख दीजिए, सिंपल, समझ में आ गई बातें। अब आप इंटू कर दीजिए क्योंकि यहाँ 15 तो है, ये डबल जीरो इसके जो बैक में है उसको पहले से लिख दीजिए, 15 सिक्स जा 90 रिमाइंडर 9, 15 वन जा 15 9 24,000 फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्ट किया। अब सेकंड पार्टनर में आते हैं, 15 के प्लेस में चेंज कर लीजिए 10 कर लिए अपॉन टोटल, तो देखिए टोटल करना है ऐसे लिख के, तो टोटल कितना है 31, तो क्यों हम बार बार लिखें ये सभी को ऐड, भाई बार बार इसको वही लिखेंगे ना, तो ना लिख के हम 31 लिख दें, इंटू 49,600 अभी कट भी किए हैं 1600, तो ये देखिए 1600 फिर से लिख दीजिए। अब 1600 का 10 में इंटू करेंगे तो 10 आगे बढ़ जाएगा, 16,000 हो गया, सिंपल। अब आते हैं थर्ड पार्टनर, तो थर्ड पार्टनर का 6 है, तो 6 अपॉन फिर वही 31, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, हमको 1600 से सीधे इंटू कर देना चाहिए 49, लेकिन हम डिटेल ही कर रहे हैं, ये कट हुआ 1600 ही आया, 16 6 जा 96 और ये डबल जीरो, यानी थर्ड पार्टनर ने 9600 लगाया, यानी 9600, सेकंड पार्टनर 16,000, फर्स्ट पार्टनर ने 24,000 इन्वेस्ट किया, यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, असन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं, इनको बाद में देखेंगे ए बी सी डी ई को, पहले हम असन एंड रीजन को सॉल्व तो कर लें। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 4, स्मॉल एंगल 40 डिग्री, तो हम पहले मालूम क्या है हमें ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं भाई, अगर ये तीनों एंगल को ऐड करते हैं कितने डिग्री होते हैं, तो हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अब वहां रेशियो में है तो लेट द रेशियो, भाई रेशियो पहले यही तो करते आ रहे हैं अभी तक, लेट द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स
एंगल्स आर क्या हैं, 2, 3, 4, 2x, 3x एंड 4x, सभी एंगल को ऐड करते हैं 180 होता है ना, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4, 3, 7, 2, 9, 9x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9, 2 जा 18, सो x की वैल्यू 20, चलिए पुट करिए, चेक करते हैं, फर्स्ट एंगल 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, अरे सबसे ये आपका आंसर हो गया, 40 बोला गया ना स्मॉलेस्ट, सेकंड चेक करते हैं, सेकंड है 3x, तो 3 इंटू 20, 23 जा 60, और थर्ड थर्ड है 4x, तो 4 इंटू 20, 80, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 40, यानी ये तो सही है, एंगल 40, यानी फर्स्ट असर्शन हमारा राइट है। सेकंड रीजन देखते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180, बिल्कुल ये तो होता है, ये तो हमने सबसे पहले लिखा है, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा एकदम फिट अप है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो एकदम, और सेकंड देखते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन आर नॉट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग है भाई, दोनों स्टेटमेंट हमारे साइड से तो ए राइट है, फिर भी चेक करा रहे हैं, डी असर्शन ए इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ई बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आल्सो रॉन्ग, बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका आंसर है, यानी 15 आंसर 15 to A, A is correct answer. So your exercise has finished. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंटी क्लासेस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.